नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है, हर पहल आपके साथ। कि आज औरंगाबाद जिला में एरियर और वेतन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा औरंगाबाद जिले के तमाम शिक्षक संगठनों की एक खास बैठक बुलाई गई। यह बैठक एरियर भुगतान और वेतन भुगतान को लेकर बुलाया गया, जिसमें कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को पहले एरियर का भुगतान किया जाए या फिर वेतन की भुगतान किया जाए, जिसके बारे में शिक्षक संगठनों के द्वारा पूछा गया कि कुल राशि औरंगाबाद जिले को कितना प्राप्त हुआ है नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए। लेकिन राशि कम उपलब्धता पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इस जितना राशि दिया गया है उस राशि को लेकर मात्र एक माह के वेतन भुगतान करने के बाद कुछ ही पैसे बचेंगे, जिस पर तमाम शिक्षक संगठनों की एक राय बनी और लोगों ने कहा, शिक्षक नेताओं ने कहा कि होली के मद्देनजर, होली को देखते हुए औरंगाबाद जिले के तमाम नियोजित शिक्षकों को एक माह का कम से कम वेतन भुगतान कर दिया जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि मात्र एक शिक्षक संगठन के द्वारा यह कहा गया कि जितना हो उतना ही शिक्षकों का, मात्र जितना शिक्षक को उतना ही शिक्षकों का एरियर भुगतान हो। अलबत्ता आधे शिक्षक को एरियर मिले, आधे को ना मिले, आधे को वेतन मिले, आधे को वेतन ना मिले, यह ठीक नहीं होगा। तमाम शिक्षक संगठनों ने अंततः यह निर्णय लिया कि तमाम शिक्षकों को होली के मद्देनजर कम से कम एक माह का वेतन भुगतान हो। अगर होली से पहले अगर फिर पुनः राशि आती है तो तमाम शिक्षकों को एक मुश्त एक साथ एरियर का भुगतान करें। चलिए हमारे औरंगाबाद से मगध संवाद के खास पर्सन हमारे साथी कुंदन जी की खास रिपोर्ट, जहां पर वो दिखला रहे हैं कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह क्या कहते हैं इस बैठक के बारे में, कैसे होगा नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान। सर, आपसे एक प्रश्न है कि आज जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ सर्वदलीय बैठक होना था और आज हुआ, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? आज सभी संगठनों का जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक की आयोजन की गई। इसमें आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि उन लोगों के द्वारा यह कहा गया कि राशि कम होने के कारण इस पर हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से शिक्षकों का भुगतान किया जाए या एरियर किया जाए। इसके बाद में सभी संगठनों के द्वारा शिक्षकों को एरियर के बारे में और वेतन भुगतान के बारे में बारी बारी से राशि की विस्तार से जानकारी ली गई। तो राशि की विस्तार से जानकारी लेने के बाद यह आया कि अंत में सारे शिक्षकों का एक माह का वेतन भुगतान करने के बाद मात्र 5 करोड़ रुपये बचता है। इस पर सभी संगठन के द्वारा जो है सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में सभी शिक्षकों का कम से कम राशि एक माह का मिलना चाहिए, जिसके कारण शिक्षक होली कम से कम मना सके। इसलिए सर्वसम्मति से सभी संगठन के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया कि उक्त राशि से एक माह का वेतन का भुगतान किया जाए एवं जो राशि बच जाती है उस राशि से अन्य राशि आने के बाद में शिक्षकों को एक मुश्त जो है से राशि भुगतान किया जाए। लेकिन अन्य संगठन के एक संगठन के द्वारा, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वैसे संगठन जो शुरू से लेकर के आज तक भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहे हैं, पूर्व में भी एरियर भुगतान के समय में शिक्षकों के द्वारा लगातार राशि 2000-3000 रुपये की वही की गई, वैसे संगठन को यह बात पच नहीं रहा था। वैसे संगठन के द्वारा यह कहा गया कि एरियर का ही भुगतान किया जाए, एक तरफा निर्णय एरियर के ही भुगतान करने की बात कही गई। लेकिन जब सारे संगठन एक और करके बोले कि सभी शिक्षकों का भुगतान होना चाहिए, क्योंकि एरियर भुगतान के प्रक्रम में लगभग 60,000 रुपये एक शिक्षक का, वहां तक राशि पहुंच भी नहीं पा रहा था। अन्य संगठन जो
यहाँ पर दलाली करते हैं वैसे संगठन के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मात्र 20,000 रुपए सभी शिक्षकों का एरियर का भुगतान किया जाए, लेकिन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश गए जब प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर पर एरियर का कोई तैयारी नहीं था क्योंकि कुछ ही लोगों का ब्रेकअप यहाँ पर उपलब्ध था। यदि मान लिया जाए कि शिक्षकों का कुछ शिक्षक का अगर 20,000 भुगतान हो जाता तो अन्य शिक्षक का त्यौहार जो है फीका पड़ जाता, इसलिए हमारी संगठन भी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सभी शिक्षकों का एरियर का भुगतान न करके वेतन का भुगतान किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की दलाली नहीं चल रही थी, दलाली चलाने के उद्देश्य से उन लोगों ने एरियर पर ही फोकस किए और एरियर पर फोकस करने के बाद में अन्य सोची समझी साजिश के तहत अन्य सदस्य के द्वारा हंगामा खड़ा किया और हंगामा खड़ा करने के बाद में एरियर भुगतान को करने पर जोर दिया गया। यहाँ तक विरोध किया है कि जब तक एरियर का भुगतान नहीं होगा, हो सकता है अगले संगठन की क्या मानसिकता है, क्या तैयारी होगी, क्या तसली किया होगा, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब सभी संगठन एकमुश्त जो है यह बात को बोल रही है कि एरियर का भुगतान न करके शिक्षकों का लगभग एक माह का वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अगले बार जो राशि आएगी उसे एरियर का ही भुगतान किया जाएगा, इसलिए हम लोगों ने भी यह निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से वह इसमें निर्णय लेकर के दिया कि शिक्षकों का वेतन का ही भुगतान किया जाए न कि एरियर का भुगतान किया जाए। मतलब वेतन के अभी जो सभी शिक्षकों का वेतन जा रहा है कि एरियर जा रहा है? सभी शिक्षकों का वेतन जा रहा है। अभी हम लोगों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से कहा कि सभी शिक्षकों का वेतन डाल दिया जाए ताकि कम से कम होली जैसे महान पर्व जो है से फीका नहीं पड़े।